زبان میں ہیں یا خوبصورتی کے لحاظ سے ہم نے ہاتھ سے اور یہ خوبصورتی ڈیزائن کے لحاظ سے हाँ, मैंने यहाँ कलमी नुस्खा जात देखे, मैं बहुत मुतासिर हुआ। एक अफ़ग़ानिस्तान से जो नुस्खा आया है उसमें वो भी बड़ा मुतासिर कुन रहा, और इसके अलावा जितने भी और दीगर यहाँ पर सीडीज़ हैं तो सबसे बड़ी नवाजिश है कि कुरान शरीफ का एक नुस्खा जो है वो सीडी हमें दी गई, जिससे बड़ा बहुत खुशी हुई। तर्जुमे के साथ है वो, और स्टाइल बहुत पसंद आया। हाँ, एक ऐसा है जिसमें सोने का हाशिया है, वो नुस्खा भी बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा लगा मुझे ये अगले साल भी होना चाहिए। बहुत अच्छा कुरान मजीद है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही फैबुलस, बहुत ही मार्वलस। इसको अगले साल भी होना चाहिए, बल्कि हर साल होना चाहिए। आपको बहुत, मैं कहने नहीं कि मेरे पास अल्फाज दिए हैं इस स्टॉल के लिए कि मैं क्या कहूँ। थैंक यू। स्कूल की तरफ से आए और यहाँ पर हमने आकर देखा है कुरान बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हमें पुराने पुराने कुरान देखने को मिले, और ऐसे नुस्खे हर साल राह टीवी को लगाने चाहिए।
और यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। इस तरह के एक्सपो एग्जीबिशन, बुक फेयर एग्जीबिशन हमेशा लगने चाहिए। मैं यहाँ राह टीवी के स्टॉल पर आया हूँ, तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह मुख्तलिफ नादर व नायाब किस्म के कुरान मजीद और उनके तराजम और गोल्ड से लिखे हुए कुरान मजीद भी मौजूद हैं, और उन्होंने मुझे CD भी गिफ्ट की है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा सालों में ये और अच्छे अंदाज और जो है वो मुसबत पैराए में अपनी इस कोशिश को जारी रखेंगे। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। शुक्रिया। जो इसमें अपने जो कुरान के जो नुस्खे लगाए हैं वो बड़े अच्छे लगे, और उसमें एक जो 400 साल पुराना था वो लगाया आपने। इसके अलावा मुझे सबसे ज़्यादा वो अच्छी तरतीब लगी, कुरान की जो तरतीब थी जो अलिफ से शुरू हो रही थी, वो बड़ी अच्छी लगी। राह टीवी के स्टॉल का हमने दौरा किया तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक्सपो सेंटर में राह टीवी वालों ने जो है वो अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है, जिसका हमने जो है सर आकर जो है विज़िट किया, तो हमें इसमें नायाब नुस्खे जो है वो कुरान पाक के देखे हमने, जो कि 400 साल पुराने और जो है सोने के हरूफ से भी इसमें लिखे हुए हैं। तो हम जो है वो इस बात की तवक्का करते हैं कि आइंदा भी राह टीवी वाले एक्सपो सेंटर में इस तरह की जो है वो स्टॉल का इनेकाद करें, जिस तरह इस वजह से, ताकि आवाम में जो है वो अवेयरनेस का एक शऊर हो जाकर। राह टीवी के स्टॉल पर आया और मैंने कुरान मजीद के कलमी नुस्खे और बड़े नादर नुस्खे देखे यहाँ, और मुझे एक गिफ्ट भी मिला है यहाँ CD का कुरान पाक की। राह टीवी पर आकर मुझे इंतहाई खुशी हो रही है। यहाँ मौलाना सैयद अबूलाला मौदूदी साहब की तसानीफ और उनसे मुतालिक मालूमात जो हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में पेश की गई हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन साहब ने मुझे यहाँ मदऊ किया और मुझे मौका दिया कुछ गुजारिशात पेश करने का, शुक्रिया। पिछले साल भी हम यहाँ पर आए थे राय हक के इसमें, राह टीवी के इसमें, और हमने यहाँ पे देखा था, लेकिन एक चीज़ की कमी महसूस होती है कि यहाँ पे जो है ना वो लिटरेचर बहुत कम है, और कुरान शरीफ जो है बहुत खूबसूरत है यहाँ, बहुत अच्छे कुरान शरीफ अल्लाह ताला हर साल ज़ियारत करवा देता है यहाँ पे, और लिटरेचर ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा नहीं कह सकते, बहुत खुशी होती है इनको देख के यहाँ पे। राह टीवी वालों ने बहुत एक अच्छी कोशिश की है, जिसमें हमने सबसे अच्छा जो लग रहा है जो कुरान पाक के नादिर नुस्खे और ये रखे गए हैं इसमें, और बहुत ही नादिर इंसान के वाव से शुरू होने वाले ख़ास तौर से जो है वो एक बिल्कुल ही यूनिक चीज़ है, जो कि हमने और कहीं नहीं देखी है। इस तरह की कोशिशें होनी चाहिए, और इसी तरह से लोगों की मालूमात बढ़ती हैं और लोगों के जो हैं कुरान पाक की तरफ लोगों के जो हैं वो तवज्जो ज़्यादा आती है, और यही चीज़ें आइंदा भी होनी चाहिए। एग्ज़िबिशन अच्छी है, और मैं हमेशा से इंस्पायर रहा हूँ जो मौदूदी साहब के जो फ़िक्र है उससे, तो अच्छी एग्ज़िबिशन है यहाँ पर। हमें ज़्यादा बेहतर जो है वैरायटी मिल गई बहुत सारी चीज़ों की, तो बहुत अच्छा है। और हॉल नंबर 1 में अब इनकी कुछ सीरीज़ वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं, जो इससे पहले हमें नहीं मिल सकी। जो लोग नहीं आए हैं उनको बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पर, और इस सबसे स्पेशल जो बात है वो ये कुरान के नादिर नुस्खे जो रखे हैं, ये सबसे यूनिक चीज़ है जो कि इस एग्जीबिशन में कहीं और नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल ओवर जो है एक्सपो सेंटर की नुमाइश बहुत ही ज़बरदस्त है, और उसके अंदर जो राह टीवी का जो किरदार है, जो स्टॉल है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है और काबिले तारीफ़ है। इसी तरीके से हमारे आसिफ साहब नाम बताया इन्होंने जो है वो बहुत अच्छे जो है वो कुरान पाक के नुस्खे दिखाए, जो माशाल्लाह 300 साल पुराना है, और ऐसी चीज़ें इन्होंने हिफाजत से रखी हुई हैं राह टीवी वालों ने, और जो इनकी मैनेजमेंट ने, ये बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसी चीज़ें पब्लिक में दिखानी चाहिए ताकि इस्लाम से जो है वो हमारी कुर्बत जो है वो बढ़े, और इस किस्म के जो स्टॉल हैं वो और भी ज़्यादा होने चाहिए। हमें मुख्तलिफ स्टॉल मैंने विज़िट किए बहुत सारे, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो मेरे ख्याल में पब्लिक पे नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन खैर इस हवाले से राह टीवी जो है वो एक उम्मीद की किरण है। हमारे जो ऐसे भाई हैं जो दिल के अंदर अपने थोड़ा सा जो इस्लाम से ज़्यादा करीब है, उनके लिए राह टीवी जो है का स्टॉल
बहुत ही अच्छी उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी और आइंदा सालों में भी राह टीवी जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ करता रहे और हम प्रमोट करेंगे इसको इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टाइल है और ये कि इस तरीके से यहाँ कुरान पाक की चीज़ें दे रहे हैं वो भी लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखें उसको उस तरीके से लोगों के आगे राह खुलेगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। और मैंने अभी ये स्टॉल देखा है राह टीवी का, माशाल्लाह कुरान पाक के बहुत ही खूबसूरत नुस्खे हैं और तारीख़ी नुस्खे हैं। कलमी नुस्खे देख कर ख़ास तौर पर बहुत खुशी हुई कि 400 साल से कोई चीज़ जो है वो महफूज है और उस ज़माने में कितनी मेहनत से लोग जो है वो खत्ताती से ये कुरान पाक लिखते थे, फिर उन पर सोने का काम भी या सोने से हाशिए पर काम जो है इतना खूबसूरत किया गया। दीदा जेब कुरान पाक जो है वो भी बहुत अच्छे लगे, माशाल्लाह बहुत अच्छी तबात है। और मेरे ख़्याल में राह टीवी का शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका दिया हमें ये चीज़ें देखने का, और ये सिलसिला आइंदा सालों में भी जारी रहना चाहिए। शुक्रिया। बेसिकली बात यह है कि हम यहाँ आए स्टॉल पर, हमने देखे मुख्तलिफ़ कुरान मजीद के नुस्खे पड़े हुए, बहुत ज़बरदस्त, हमें बहुत मज़ा आया। और हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर में, यानी मैं तो कहता हूँ कि हर साल में बल्कि दो मरतबा ही होना चाहिए, क्योंकि इससे ये कि जो हम जो पुराने जो नुस्खे थे हमने पहले यहाँ पर हम पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले हमने कहीं भी नहीं देखे। तो इंशाल्लाह हम जो है ना उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर में भी इस तरह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। आज जो है आप लोगों के लिए जो ये प्रोग्राम रखा गया है बहुत नहायत ही मुफीद और कारामत, और हमारी मालूमात दीन के मुतालिक, इस्लाम के मुतालिक, मज़हब के मुतालिक इजाफे के लिए बनेगी। दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉल पे आएं और दीनी मालूमात और जैसे कुरान मजीद के नादिर और नायाब नुस्खे जो आप लोगों के लिए रखे गए हैं उसको देखें और दीन के मुतल्लिक देखें कि कब से मेहनत हो रही है और कब से की जा रही है। माशाल्लाह इतने पुराने और इतने कदीमी और इतने अच्छे नुस्खे हैं कि देख के ईमान ताज़ा होता है। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और हमें देखनी चाहिए ताकि हमारे ईमान ताज़ा हो। यहाँ पे जो मैंने भी कुरान के नुस्खे देखे हैं उसमें जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो सोने का जिसमें काम था वो सबसे बेहतरीन था और बहुत ज़बरदस्त लगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज है और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के कुरान के नुस्खे हैं जिनको देख के हमारी नॉलेज में बेनते हैं इजाफा हुआ है। बहुत मुतासर हुआ, यहाँ जो कदीम कुरान पाक रखे हुए हैं उनके नुस्खे रखे हुए हैं, ख़ास तौर पर एक कुरान पाक के जिसमें 10 जबानों के तराजम एक साथ मौजूद हैं। बहुत खुशी हुई इसको देखकर। इत्तेफाक है कि हमें इससे पहले मेरी नज़र नहीं पड़ी और अब इंशाल्लाह आपकी वेब भी विज़िट करेंगे और देखेंगे उसको। यहाँ पर जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है नुस्खे वगैरह के हवाले से कि यहाँ पर सबसे बेहतरीन चीज़ जो देखी वो ये कि बड़ी ही मेहनत और दयानतदारी के साथ मेहनत की गई और इस तरतीब के साथ कुरान पाक के साथ जो उसका हक़ है अदा करने का उस तरीके से उसकी जो है तदवीन की गई है। और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जो है इस तरह की जो है कोशिशें जो है वो की जाती रहेंगी और उम्मत मुस्लिमा को जो है इससे मज़ीद फैज़ हासिल होगा ताकि जो हमारे लिए जो है ना क़यामत तक के लिए और आने वाले लोगों के लिए मशाल राह साबित होगी।